गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. ओके, स्टे वार्म. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर इससे पहले वाला था वो नहीं किया मैंने, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो बाद में हो जाएगा. इज दैट क्लियर एवरीबडी? दैट इज, वो छोटा भी था, इट वॉज स्मॉल चैप्टर, सो यू शुड डू इट आफ्टर सम टाइम. Now I am going to tell you about the next chapter, Utankas Guru Dakshina. Okay, Utanka is a disciple who was getting education from a teacher. In olden times, you know, the children used to repay their gurus. अपने जो गुरु थे उनको repay कर रहे थे वो, ठीक है? They used to repay them. That is why I am telling you कि वो जो गुरु दक्षिणा देता था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, देखा तो कहाँ होगा, पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा. यू हैव सीन इन द टीवी कि महाभारत चल रही है आजकल, पता ही आप लोगों को. रामायण भी आ रहा है, उसमें देखिए राम जी ने एजुकेशन ली थी अपने गुरु से. महाभारत में द्रोण से ली थी शिक्षा उन्होंने, और गुरु ने गुरु दक्षिणा भी मांगी थी, है ना? तो द चैप्टर इज ऑल्सो लाइक दैट, अंडरस्टैंड. ये एक दंत कथा है. इसमें राइटर का जो होता है वो नेम शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट गिवन, अंडरस्टैंड. सो द चैप्टर इज उतंकास गुरु दक्षिणा. इन दिस चैप्टर ओनली वन करेक्टर इज मैन करेक्टर, दैट इज उतंका. एंड यू नो इन ओल्डन टाइम द चिल्ड्रेन यूज टू गेट एजुकेशन इन द फॉरेस्ट, आश्रम जो बोलते जिसको, दे यूज टू गेट एजुकेशन देयर. इज दैट क्लियर? कल एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया था कि सर प्लीज जस्ट टेल अस इन द हिंदी ऑल्सो. तो हिंदी में आई थिंक यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो थोड़ा ओल्ड लगता है. ओके, फिर भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो, अंडरस्टैंड. सो इन दिस चैप्टर इज उतंका, द बॉय हु इज गेटिंग एजुकेशन इन आश्रम, एंड ही वॉज लिविंग विद हिज मिस्ट्रेस, गुरु माता जो होती है उसके साथ, एंड विद हिज गुरु. Is that clear? And the boy had completed his education. And one day he went to his guru and asked him that, Guruji, I have completed my education. You had given me a good education. So I want to repay you. I want to give you something. I have not given anything to you. I want to give you something if you desire. Then guru said to him, No, my dear. I don't want anything. If you want to give something, you should ask your mistress. Go and ask her. Go and ask her what she wanted. Then Utanka went to his mistress and asked the same question. And mistress desired one thing. She said to Utanka that I need earrings. Earrings mujhe chahiye. That is worn by queen. वो कौन पहनती है उसको? क्वीन पहनती है. उतंका वाज विगन से टोटली वाज यू नो ही वाज शॉक्ड एंड ही वाज आल्सो वी कैन से अनेबल टू ब्रिंग द इयर रिंग्स. सो ही वाज टोटली शॉक्ड, वो निराश भी हो गया, बट और वी कैन से ही वाज इन डिसमे. बट The mistress demanded the earrings, so he has to bring that. So Utanka said to his mistress that I will try my best and I will bring the earrings. And the lady said to him that within 4 days, एक उत्सव है हमारे, फीस्ट है, दावत, मैं उस पर पहनूंगी. I need it within 4 days. 4 days में मुझे चाहिए. Utanka had started his journey. उतंका ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. ही वॉज गोइंग इन द सिटी, क्योंकि क्वीन तो सिटी में रहती थी. देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी एंड वॉज गोइंग द सिटी. एंड इन दिस जर्नी ही मेट विद अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑल्सो, एंड वी विल डिस्कस अबाउट देम, दे आर बेनिफिशियल फॉर हिम और नॉट. सो व्हेन ही वॉज एंटरिंग इन द सिटी, ही सॉ अ ह्यूज बुल वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम. बैल जो होता है, एक बड़ा सा आ रहा उसकी तरफ. एंड ए मैन वाज सिटिंग ऑन दैट बुल, ए ह्यूज बुल. एंड उतंका वाज आल्सो फ्राइटेन टू सी द बुल. देन ए मैन केम नियर हिम एंड ही ऑर्डर्ड उतंका, ही वाज हैविंग ए वी कैन से कप ऑफ डर्टी वाटर,
बॉल होता है बॉल, ही वॉज हैविंग ए बॉल ऑफ डर्टी वाटर ओके एंड ही सैड पॉज करना सो ही सॉ ए ह्यूज बॉल उसकी तरफ आया एंड व्हाट द मैन वॉज हैविंग विद हिम ही वॉज हैविंग ए बॉल ऑफ डर्टी वाटर एंड ही सैड टू उतंका कि उतंका ड्रिंक दिस उतंका इसको पी लो द मैन सैड उतंका डिड नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक बट उतंका ने क्या किया ही ओबेड हिम ओके ही ओबेड हिम एंड ही सैड ओके आई विल ड्रिंक दैट दीज आर द पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एजुकेशन विस ऑफ मिस्ट्रेस आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू अंडरस्टैंड टाइम टू रिपे ही सैड टू हिज गुरु दैट आई एम गोइंग टू रिपे यू एंड जर्नी ऑफ उतंका वी आर हियर वी ऑल्सो कंप्लीटेड इंसिडेंट विद बुल ये वाला पॉइंट वी आर हैविंग ओके सो ही सैड टू हिम ड्रिंक दिन हैंड ही आर ड्रिंक द वाटर एंड आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही बिकम्स बोल्ड ही बिकम्स फियरलेस एंड ही डायरेक्टली एंटर्ड इन द पैलेस ऑफ किंग उस राजा के महल में उसने एंटर कर लिया एंड ही बोल्डली एंटर्ड विदाउट एनी फियर एंड ही रिक्वेस्टेड किंग उसने किंग के सामने बहुत पोलाइटनेस दिखाई द बॉय है ना ही बोइंग टू किंग एंड आस्क्ड हिम द डिमांड ऑफ हिज मिस्ट्रेस कि मुझे रानी की इयररिंग्स चाहिए दैट इज डिमांडेड बाय माय वी कैन से मिस्ट्रेस देन किंग सेड टू उतंका दैट आई एम नॉट हैविंग इयररिंग्स यू शुड गो टू क्वीन एंड आस्क हर आप क्वीन के चैम्बर में जाओ एंड आस्क द सेम क्वेश्चन टू हर उससे पूछो उतंका वेंट इन द चैम्बर एंड डिड नॉट फाइंड क्वीन उसने को क्वीन नहीं मिली उसको ही रिटर्न अगेन एंड सेड टू द किंग कि मुझे नहीं मिली Then king said to him that you are wearing shabby clothes and you are also tired with the journey. You should take a bath, nahao, जाकर नहाना करो और उसके बाद में अच्छे कपड़े पहनो. Then you would go to queen. Then Utanka also followed his order and he again went to meet queen. At this time he got success to meet queen and he demanded the same thing. And queen without any problem had given her earrings to Utanka. He had given her earrings Utanka. Utanka ko apne earrings de diye. But she also warned him. Usko usne warn bhi kar diya. Kis baat ke liye? Somebody also wanted to take the same earrings. Kisi ki in pe nazar hai. And that is serpent king. Wo kya hai? Saap. है ना सर्पेंट किंग वॉन्टेड टू टेक दीज इयररिंग्स तो देन शी सेड टू हिम तो बी केयरफुल इन योर जर्नी उतंका सेड टू हर दैट डोंट वरी आई विल केयरफुल अबाउट दैट एंड आई विल नॉट गिव इयररिंग्स टू द मैन द सर्पेंट किंग उतंका स्टार्टेड हिज जर्नी एंड दैट वॉज द टाइम ऑफ डस्क यानी इवनिंग टाइम हो गया रात का समय रात होने लग गई तो उतंका थॉट दैट आई शुड टेक सम रेस्ट He was tired, बहुत ही थका हुआ था वो Got it? He was tired, then he was taking rest under the tree. और जैसे ही उसने rest शुरू किया then a huge hand came from the earth and he had taken the earrings को he had put the earrings nearby him and he had taken the earrings and run away from that place. Utanka was also following him and suddenly the man had entered in the big hole in the earth. And disappeared. अब उतंका बेचारा निराश हो गया From where he would try to find out the man. He would becomes hopeless and was also sad also. Then he requested to God, please God help me. Suddenly a man appeared there. And he ordered उतंका to do these type of things. अब वो जो बंदा आया जो मैन उसमें आया उसने क्या बताया उतंका को जब वो बता रहा था ग्रेट लाइटनिंग एंड थंडरिंग वॉज हैपनिंग देयर जबरदस्त तरीके से बिजली चमकी और थंडरिंग हुआ काफी कुछ हुआ है ना एंड तभी क्या हुआ उतंका ने देखा कि अपने आप को अंडर द अर्थ पाया उसने उतंका ने ओके ही वॉज अंडर द अर्थ पूरी धरती हिली व्हाट इट और उसके बाद में होल के अंदर चला गया वो उतंका वेयर ही हैड व्हाट ही हैड सीन देयर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू होल में चला गया It was the kingdom of Serpent King. उसकी राजधानी थी ये Serpent King की
ही वॉक स्लोली अलोंग एंड केम टू टू वुमेन, दो लेडीज देखी उसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं बुक की याद दिला रहा हूँ क्या कि मैं भूल ना जाऊँ। दे क्या कर रही थी, दे वर वेविंग ए पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ को वेव कर रही थी, सी रही थी वो। ही आज देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सर्पेंट किंग, उतंका आज द लेडीज अबाउट द पैलेस ऑफ सर्पेंट किंग। टू वुमेन क्लॉथ को वेव कर रही थी। They did not heed him and went with their weaving. He saw that their cloth was made of black and white thread. But you know, the ladies did not pay any attention towards him and they were doing their work. And Utanka saw their cloths. One was white thread and one was black thread. एक white thread से और एक black था। ये color थे उनके दोनों ladies के। Is that clear? Then what happens? Next he came to a wheel with 12 spokes. अगली आगे गया तो he saw a wheel. उसने wheel देखा। Having 12 spokes, उसके 12 spokes थे पहिए, पहिए के ऊपर। Six boys turn the wheel round and round. Why are you doing? What are you doing? छह बच्चे उनको घुमा रहे थे व्हील को। उतंका ने पूछा, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? They did not answer him and went on their work. So he went to till he saw a man with a beautiful horse. उसने उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया और अपना काम करने लग गए। तभी he saw a beautiful horse. तभी उसने एक सुंदर सा घोड़ा देखा, फर थे उसके ऊपर, बाल थे, ठीक है। He saw a beautiful horse, और उतंका went to the horse and bow also to him. उसके सामने भी वो झुका। तो उसने कहा, Oh Lord, grant me a favor. I am puzzled and serpent king has taken my earrings that is needed to by my mistress. मेरी हेल्प करो। द मैन टर्न एंड सैड वट कैन आई डू फॉर यू, यानी वो आदमी, एक आदमी भी था उसके पास, बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उतंका रिप्लाइड, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर। उसने कहा कि आई वॉन्ट टू कॉन्क्योर द सर्पेंट किंग, वो मेरे पावर के अंडर आ जाए, ऐसा कुछ कर दो। तब उस आदमी ने कहा कि इस घोड़े में फूक मारो, ठीक है, ब्लो द हॉर्स, ही सैड, अंडरस्टैंड। He went near the horse and blew him. उसके जो बाल थे ना फर, उसमें उसने फूंक मारी। And every blew पे, जो हर फूंक पे ऊपर आग की लपटें निकल रही थी। और पूरा सर्पेंट किंग को क्या कर लिया, जो किंगडम था उसको आग की लपटों ने घेर लिया। और all the serpent people who were living there, जो सर्पेंट थे, they came out from their holes and requested उतंका कि प्लीज हमें बचाओ, हमारी क्या गलती है। तो उतंका ने कहा कि सर्पेंट किंग को बोलो कि मेरी इयररिंग्स वापस दे, मुझे अपनी मिस्ट्रेस को देना है, गुरु माता को देना है। देन दे ऑल्सो डू द सेम थिंग एंड सर्पेंट किंग ने वो उसके हाथ में वो इयररिंग्स रख दी। एंड व्हाट हैपेंस, वो टेस्ट और अपने वादे के मुताबिक ही हैड गिवन द इयररिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को दे दिया इयररिंग्स, गॉट इट। Then he went to his guru, और उसको अपने गुरु के पास गया। तब बात का खुलासा होता है, क्या गुरु ने जो उसको कुछ बताया, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। देखिए पहला क्या दिया, डर्टी वाटर। गुरु ने कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी, मैं तुम्हें चेक करना चाहता था, और कुछ चीज़ें थी तो तुम्हें हेल्प करने के लिए भेजी थी। द डर्टी वाटर यू ड्रंक माई बॉय वॉज एम्ब्रोशिया, अमृत था वो जो गंदा पानी आपने पिया वो था अमृत, ठीक है, जो कि तुम्हें इटर्नल यूथ यानी आंतरिक शक्ति प्रदान की जिसने उसको, ठीक है। जो टू मैडन्स थी, जो लड़कियां थी, दे वर वेविंग, जो ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड को कर रही थी, है ना, वो वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड, वो थे डे और नाइट। वो क्या थे, डे एंड नाइट। जो व्हील था, जो 12 स्पोक्स के साथ था, वो था साल, यानी एक साल में 12th मंथ होते हैं ना, तो 12 वो स्पोक्स थे। विद 12 मंथ एंड द बॉयज द सीजन, और जो छह बच्चे थे, दे वर द सीजन, व्हाट इट, वो सीजन थे। द मैन वाज द गॉड ऑफ रेन, और जो आदमी आपको मिला वो था गॉड ऑफ रेन। एंड द हॉर्स वाज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा मिला था वो गॉड ऑफ फायर था। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग, गो इन टू द वर्ल्ड नाउ फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू। सो उसने कहा कि आपकी अच्छी तरीके से देखभाल की थी, आपने भी बहुत बेस्ट किया माय डियर चाइल्ड, यू शुड गो इन योर वर्ल्ड और वेट फॉर ब्राइट फ्यूचर। तो
क्या गुरु उत्तंका की जो ड्यूटीज थी वो कंप्लीटेड हो गई और वो अपने वर्ल्ड में आ गया एंड ही वॉज लिविंग वेरी पीसफुली हैप्पीली विद हिज फैमिली. सो डियर स्टूडेंट दैट वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट गॉट इट. एंड द प्रीवियस चैप्टर आई डिड नॉट टीच यू. आई विल टीच यू दैट चैप्टर लेटर ऑन. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द वी कैन से करेक्टर्स. उत्तंका इज अ मैन करेक्टर. हिज गुरु इज ऑल्सो देयर. इज मिस्ट्रेस किंग वैसे तो बहुत करेक्टर हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू चैप्टर मैन करेक्टर इज उत्तंका. और दैट इज ऑल्सो हैपनिंग विद उत्तंका एंड ही वॉन्टेड टू एग्जामिन. गुरु था उसकी परीक्षा ले रहा था. द सेम वॉज ऑल्सो हैपनिंग. अंडरस्टैंड गॉट इट. सो दीज आर द पॉइंट्स. एजुकेशन के बारे में बता दिया. आफ्टर मैनी ईयर्स ही हैड गॉट हिज एजुकेशन. ही वॉज पास्ड एंड ही हैड गॉन टू हिज गुरु. आस्क्ड फॉर टू रिपेड. अपने गुरु के पास गया. उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए. गुरु ने बोल दिया आई हैव नो डिजायर. यू शुड गो टू योर वी कैन से मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस के पास गया. विश फॉर मिस्ट्रेस टाइम टू रिपेड. फिर वो उसने सोचा कि भाई अब देना है मेरे को रिपे करना है. ठीक है गॉट इट. अंडरस्टैंड गॉट इट. ओके बाय बाय एवरीवन.